उन्होंने उस मस्जिद को आज़ाद कराने के लिए आवाज़ उठाई। पहली ईंट भी जो राम मंदिर की जो शुरुआत है वो हमारे परिवार से हुई है। हम ये 2 महीने अभी और जहाँ पे लंगर रेगुलर चलाएंगे। तो अयोध्या यात्रा के दौरान हमारी मुलाकात हुई है बाबा हरिजीत सिंह से, जिनकी 8वीं पीढ़ी जो है निहांग फकीरी, जिन्होंने जो है सबसे पहले जो है राम मंदिर के लिए आवाज़ उठाई थी। तो चलिए बात करते हैं हम जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। तो बताइए आप कि किस तरह से जो है निहांग फकीरी जी ने आवाज़ उठाई थी राम मंदिर के लिए पहली बार। सो पहले मैं यही बताऊंगा कि निहांग बाबा फकीर सिंह जी जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के एक सिपाही थे, जो खालसा पंथ की जो मेन परंपरा है वो निहांगों की उनमें थे, तो हम उनकी पीढ़ी से 8वें वंशज हैं। तो वो 1858 में जहाँ पे आए, उन्होंने उस मस्जिद को आज़ाद कराने के लिए आवाज़ उठाई, उस पर कब्जा लिया और हवन किया। तो जब हवन करना है तो आपको पता है कि वहाँ पे हवन कुंड बनाना ही पड़ेगा, तभी हवन होगा। तो पहली ईंट भी जो राम मंदिर की जो शुरुआत है वो हमारे परिवार से हुई है। तो उसी एविडेंस के ब्याह पे आज कोर्ट ने जो हम खुशी मना रहे हैं, पूरी अयोध्या में जो खुशी की लहर देख रहे हैं जी, उस जजमेंट में 64 नंबर पेज पे बकायदा सब कुछ लिखा है। पूरा कोर्ट ने बताया कैसे वो आए, उन्होंने क्या क्या वो FIR में जो लिखा उसको दर्शाया गया है। तो उसी की याद में हम जहाँ पे एक साझी वार्ता की बात कर रहे हैं कि हिंदू सिख सनातन हम सब मिल के बैठ के जहाँ पे लंगर छकेंगे और संगतों की सेवा करने के लिए आए। बाबा हरजीत सिंह जी, कुछ बताइए कि उस समय का जो माहौल था वो किस तरह से रहा होगा और कौन कौन लोग थे जो थे निहांग फकीरी जी के साथ, उनके बारे में कुछ बताइए आप कि वो अकेले थे या कौन कौन लोग थे, किस तरह से जो है उन्होंने कब्जा करा बाबरी मस्जिद के ऊपर। देखो जो निहांग संप्रदायें होती हैं इसमें एक क्या होता है कि जब हम निहांग सजते हैं, खालसा सजता है, तो उस समय में हमारे नाम चेंज कर देते हैं। तो हमें एक ही होता है कि हम गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बेटे हैं। उनके साथ जो डॉक्यूमेंट्स है FIR में लिखा है 25 लोग थे, लेकिन किसी कौन कहाँ का था, कैसे आया, क्योंकि कितने लोगों ने कुर्बानी दी है वो उसमें नहीं है। लेकिन जो मेन जो नाम जो है कि जो कमांड करते हैं, आज हमारे साथ बहुत सारे लोग आए हैं लेकिन कहीं भी नाम जाता तो हरजीत सिंह का ही नाम जाता है। तो ऐसे ही जो मेन कमांडर रहते हैं, जो मुखिया रहते हैं, जो सेवा में जो अहम रोल रहते हैं, उनका नाम ही उनके नाम से ही FIR हुई गई है। तो तब से जो है वो डॉक्यूमेंट जो पेश किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, वो तब से 1898 का जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में, ठीक है। तो इसके साथ बताइए कि जैसे अब आप माहौल देख रहे हैं अभी जो अयोध्या में, जैसे एक माहौल है, हम बात करेंगे राम की पैड़ी का, जहाँ पे जो लोग हैं बहुत हिंदुत्व धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और एक तरफ जो है जो लोग बाहर से देशवासी आ रखे हैं, और कुछ लोग हैं जो अयोध्या में बरसों से रह रहे हैं, तो वहाँ एक तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, वहाँ हिंदू मुस्लिम जो है वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप, मतलब बाहर के जो लोग हैं वो जो है मतलब बहुत बोल उनका बोला वाला है कि हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं और चीज़ें बोल रहे हैं, बाकी जो बाहर अंदर के जो लोग वर्षों से रह रहे हैं वो अभी भी शांत हैं। देखो ऐसा क्या है कि जो बाहर के जो लोग हैं उनमें एक उत्साह पैदा हुआ है, जो जहाँ के लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि उनका यहाँ से व्यापार, उनका काम, जहाँ पे लेबर जो तो 200 रुपये में 400 रुपये में आज मिलती थी, आज वो 2000 रुपये पर मंथ के लिए पर डेली का मांग रहे हैं। सो कहीं ना कहीं उसमें उनको ये है कि हम कहीं डिस्टर्ब ना हो जाएं। तो मेरे को तो लगता है कि जो 2 महीने पहले या 1 महीने पहले अयोध्या थी, आज वो हर दिन नई नज़र आती है। अब जिस रोड से हम पहले दिन आए वो पहचाना नहीं जाता कि हम उस रोड से आए कहीं और से आ गए हैं। सो अयोध्या का अब पूरी दुनिया में एक नक्शा चेंज होने वाला है कि यहाँ पे पूरी दुनिया की नज़रें हैं हमारे इस मंदिर के लिए आ रहे हैं, श्रद्धालुओं की भावना की, अलग अलग स्टेटों से अलग अलग कंट्रियों के जो लोग हैं वो राम भूमि को पूरी खुशी से मना रहे हैं। उस 22 जनवरी का दीपमाला के लिए अलग अलग तरीके की व्यवस्थाओं के साथ वो सब अपनी खुशी को साझी कर रहे हैं। तो जो 1898 के बाद जो था उसके बाद आपके परिवार ने किस तरह से जो है इस आंदोलन में हिस्सा लिया, राम मंदिर का जो आंदोलन था उसमें किस तरह से आपके परिवार ने कुछ भूमिका निभाई है, उसके बारे में कुछ बताइए आप।
देखो 1858 में ये बात है, 1898 की नहीं है, 1858। उसके बाद क्या कि जब एक जत्था आया तो उन्होंने अपना संघर्ष लड़ते हुए कहाँ पे शहादतें दी ये गुरु साहब जानते हैं। लेकिन क्या उसके बाद एक ऐसा समय आ गया कि देश क्या पंजाब गुलामी की जंजीरों में अंग्रेज़ों की हम लड़ाई के साथ चलते रहे। 47 के दहाके से हम एक दूसरे से टूट के चले गए कि जो आंदोलन जो चला गया इसमें 5 लाख के करीब लोगों ने शहादतें दी हैं। हर एक की शहादत जो है वो सत्कार जो होगा उनकी याद को कभी नहीं हम ठुकरा सकते। लेकिन हमारे परिवार ने कहीं ना कहीं क्या है कि पीछे हमारे बुजुर्गों ने कैसे कैसे आके यहाँ पे उस चीज़ को सहन किया उस समय में। आज हम पूरी व्यवस्था के साथ भी आए हैं लेकिन 1858 को जब याद करते उस समय तो आने जाने के भी कोई रास्ते अच्छे नहीं थे, तो उनके पास तो चलने के लिए घोड़े होते थे। जी, जी, जी। तो घोड़ों पे आए होंगे तो वो आप सोच सकते हैं कि फील कर सकते हैं कि हम 10 कम पैदल चलने में मुश्किल होता है लेकिन घोड़ सवारी करना तो बहुत मुश्किल काम है। तो जैसा 1990 में जो कार सेवकों का जो आंदोलन रहा था उसमें जो पहली भूमिका थी जो पहले थे वो सिख समुदाय के थे, तो उनके बारे में बताइए आप कुछ। देखो सिख समुदाय हर देश की कोई भी हमारी संपत्ति की बात हो हमारे राष्ट्र की बात हो जहाँ हमारे मंदिरों की जहाँ हमारे पीछे बैठे हैं थे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का स्वरूप है। सो जब भी देश की जब हमारी संस्कृति पे कोई भी आँच आई या हमारे देश पे कहीं भी कोई मुश्किल आई है तो सिखों का अहम रोल हर जगह ही रहता है, तो इसमें तो कहीं पीछे हटने की वाली बात ही नहीं। ये तो हमारा कल्चर है जी, कम्युनिटी है जो पिछले 2 महीने से जो है यहाँ पे लंगर चला रहे हैं चीज़ें हो रही हैं तो उसके बारे में कुछ बताइए आप। ये लंगर जो है ये लंगर गुरु नानक की अपार कृपा के साथ चल रहा है क्योंकि ज़्यादातर जो लंगर हैं कोई 2 दिन के लिए 5 दिन के लिए आएंगे पर मेन जो जहाँ पे जो संगत आने वाली है तो अगर मैं इसको पंजाबी के संगत का हड़ आने वाला है वो 22 जनवरी के बाद आने वाला है। अभी तक तो जो निमंत्रण जिनको गए हैं वहीं आएंगे, उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे राशन की सेवकों की पूरी वक् वक् चीज़ों की हमें ज़रूरत रहेगी। तो टाइम में हम ये 2 महीने अभी और जहाँ पे लंगर रेगुलर चलाएंगे अभी आने वाले 2 महीने में आगे और चलेगा लंगर जी। तो इसमें लंगर के साथ साथ जो है हम कोशिश करेंगे कि ये कभी बंद ना हो, ये चलता ही रहे, बाकी जैसे राम जी चलाएंगे वही ठीक है। तो इसी के साथ आप india.com पे बने रहिए ऐसी और कहानियाँ जानने के लिए।